जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है आज हम लोग पढ़ेंगे मगध एम्पायर, ठीक है। आज जो मगध एम्पायर को हम लोग जो है जो तीनों वंश हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, हर्यक वंश और जो है शिशुनाग वंश और नंद वंश, इन तीनों वंशों को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसमें से कुछ पॉइंट हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है और आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु को जो है क्या कहते हैं उसको, हर्यक और जो हर्यक वंश भी कहते हैं और इसको जो है पितृहंता वंश भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या देखना है, अजात शत्रु, इसके पहले हम लोग जो है बिंबिसार को देख चुके हैं। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि हम लोग का जो है ये जो बैच है वो किन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है कोई भी स्टूडेंट है, देखिए तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो मैं बता दूं कि ये जो बैच है ना वो किसके लिए है। तो आप बैच है, ये जो बैच है, ये बैच है जो है, या जो है अगर स्पेशल जो लड़के हैं जो आरपीएफ की जो तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है जीएस का काफी ज्यादा वेटेज है, वो जरूर इस बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि लुसेंट पढ़ करके आज आप जो है एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, ये सच्चाई है। आपको पढ़ने के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा और थोड़ा डिटेल सिलेबस में देखना होगा। और आपको किसी भी एसएससी कोचिंग में आप जाएंगे तो आपको डिटेल सिलेबस तो जीएस का तो नहीं मिलेगा, बाकी आपकी क्लासेस मिल जाती है, लेकिन जीएस का क्या करते हैं वही पुराना ढर्रा आज भी चल रहा है कि आपको लुसेंट पढ़ा दिया जाएगा और बाकी जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है आपको लिखवा दिए जाएंगे। परंतु आज वो समय नहीं है, आज आपको पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको क्या चाहिए, तो डिटेल्ड आपको सिलेबस जानना बहुत आवश्यक है। तो समझ रहे हैं मैं क्या करना चाहता हूँ, तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन करिए, ठीक है। तो मैं आपको जो है पूरी जो है जीएस की जिम्मेदारी लेता हूँ, जीएस में हर एक पॉइंट की जिम्मेदारी लेते हैं। जीएस में आपका जो है, अगर आप एसएससी से लेकर के अगर आप पीसीएस तक तैयारी करते हैं तो आप हम पर विश्वास करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज से इस चैनल का सदस्य बन जाइए और पूरा जो है निश्चिंत होकर आप हम पर छोड़ दीजिए। और देखिए इसमें हम लोग अभी तो फिलहाल में बैच भी लेकर आए हैं और नया नया बैच भी लेकर आते रहेंगे, ठीक है ना, नया नया जो है कोर्स को कवर करने के लिए। तो हम लोग अभी जो है जीएस के हर पॉइंट को देख रहे हैं और एनसीईआरटी कोई भी छोड़ेंगे नहीं, एनसीईआरटी 6 लगा है 12th तक, और आप कहेंगे तो लाइव क्लास भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, प्रोवाइड जो है कराई जाएगी। हम लोग लाइव क्लास करा रहे थे लेकिन क्या हुआ कि एक दो लड़के ही बस आ रहे थे, वो भी कभी कभी नहीं आ रहे थे। तो मतलब वो लाइव क्लास कराने का मतलब क्या है, जब आप लोग इंटरेक्ट, आप लोग से इंटरेक्ट ही ना हो पाए, आप लोग क्लास में आए नहीं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग क्लास में आइए और उनके यहाँ शेयर करिए जो सीरियस है कि जो है 6 महीने में 7 महीने में अपना एग्जाम निकाल लें, नहीं तो आपको फिर क्या होगा, तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और आप भटकते रहेंगे। तो प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्टेड टू यू, ओके। तो चलते हैं, हम लोग तो हिंदुस्तान वाले हैं, हिंदी ही बोलेंगे, बस आपको थोड़ा सा वो दिखाने के लिए बोल दिए हैं, हालांकि इंग्लिश मुझे आती नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के कोर्स पर। तो हम लोग का जो है बेसिक से पढ़ रहे हैं, हम लोग सिंपल सा मगध साम्राज्य स्टार्ट किए हैं, फिर मगध साम्राज्य में हर पॉइंट आपको मजाक मजाक में समझा दिया गया, इसका परिचय के बारे में, फिर इसकी जो है मैपिंग करा दी गई, हर पॉइंट तो आपको यहाँ पर कराई जा रही है, फिर इसके जो है क्या कारण है कि मगध का इतना बड़ा साम्राज्य हो गया और इसका उत्कर्ष हो गया सभी महाजनपदों में से सभी कारणों को मैंने आपको समझा दिया है। फिर इसके बाद से जो इसमें मेन जो राजनेता जो सॉरी जो इसमें जो है इसमें जो क्या है कि जो मेन टॉपिक है बिंबिसार का, जो किस वंश से है, तो हर्यक वंश है। तो आज हम लोग हर्यक वंश में, तो देखिए बिंबिसार को पढ़ चुके हैं, इसमें दो वंश रहे हैं, मतलब दो राजा रहे हैं, बिंबिसार रहा है और इसी का पुत्र रहा है अजात शत्रु, जो लगभग इसी के ढर्रे पर चलता है, ठीक है। फिर इसके बाद से जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, ये हम लोग का हर्यक वंश, याद रखेंगे पेपर में पूछ देता है कि पितृहंता वंश किसे कहते हैं, तो जानते रहेंगे तो आप लगा पाएंगे कि हर्यक वंश ही पितृहंता वंश है। पितृहंता मतलब क्यों कहा गया, यानी पिता को मार करके वंश स्थापित करना, उसी को पितृहंता कहा जाता है, यानी पिता की हत्या करके, बात समझ आ रही है आपको। फिर इसी के बाद से हम लोग जो है शिशुनाग वंश देखेंगे, फिर हम लोग नंदों का वंश देख करके आ जाएंगे द मौर्यन पीरियड में, किसमें, मौर्यन पीरियड में, और हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। समझ आ रहा है आपको, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए ना, ठीक है। तो बिंबिसार वाला मैंने आपको पढ़ा दिया, अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है। हर एक वंश के टॉपिक को बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में क्या करते हैं लोग, तो वो एग्जाम एग्जाम में जानता है कि लड़का पढ़ा है, सब जानता है, लेकिन वो उसको कालक्रम की जानकारी नहीं है। मतलब इतिहास में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी घटनाएं पहले हुई, कौन सी घटनाएं बाद में हुई,
तभी जान पाएंगे जब आप एक जो है समग्र विश्लेषण करेंगे, थोड़ा समझेंगे, क्योंकि आज का एसएससी का भी पेपर जो है इतना आसान नहीं रह गया है कि आप जो है लुसेंट पढ़ के और वन लाइनर वाली जो है पुस्तकें पढ़ करके निकाल सकते हैं। आप पढ़िए उस पुस्तक को, लेकिन आप उसके पहले एक समग्र बैच ज्वाइन करिए। तो ये जो बैच है अपना जीएस वाला बैच बिल्कुल फ्री है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके यूट्यूब पर ही क्लास होगा, बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है? कोई इसमें झंझट नहीं है कि आपको कहाँ से जाना है, कौन सा कोचिंग लेना है। ये बिल्कुल आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए मेहनत हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? तो चलते हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अजात शत्रु। और इसके बारे में क्या क्या फैक्ट वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो अजात शत्रु है, सबसे पहले आप जानिए कि ये जो है बिंबिसार का ही पुत्र है। बिंबिसार जो, इसका पहले हम लोगों ने पढ़ा है। तो अजात शत्रु को जो है कुडिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुडिक भी। और अजात शत्रु की माता का नाम क्या था? तो चेलना था। जो चेलना और छलना जो हम लोग पढ़े थे कि जो बिंबिसार क्या करता है, चेलना और छलना नामक जो है लड़की से विवाह करता है, ठीक है ना? तो वो विवाह करता है, तो कहाँ की महारानी थी आपको पता होना चाहिए। आइए दिखा देते हैं आपको। देखिए जो बिंबिसार ने क्या किया, तो जो है वैशाली के जो शासक थे कौन, चेतक। चेतक का नाम सुना होगा ना आपने? तो चेतक की पुत्री हुआ करती थी जिनका नाम था चेलना या छलना। तो इन्हीं से जो है जो इनके पुत्र हैं अजात शत्रु, उन्होंने जन्म लिया। तो अजात शत्रु की माता का नाम क्या है? चेलना। और चेलना नाम है, वैसे तो बिंबिसार की लगभग 500 पत्नियां थी, ठीक है? तो अजात शत्रु के पिता को आप जानते हैं बिंबिसार। अजात शत्रु के समय देखिए इसमें जो लूसेंट वाला जो टॉपिक है वो भी शामिल है। आपको फिर लुसेंट में जाने की जरूरत क्या है? मैं आपको बेसिक भी समझा रहा हूँ एनसीईआरटी के माध्यम से, मैं आपको स्टैटिक जीएस का बैच से लेकर आया हूँ, इसमें हर चीज हम लोग देखेंगे। बाकी इसमें जो फैक्ट वाले क्वेश्चन वो भी आपका छूटा हुआ नहीं है। इंडिया का जो टॉप टॉप कोचिंग है एसएससी लेवल का, पीसीएस लेवल का, उससे जो है बेहतर आपको कंटेंट आपको जाकर देने की जिम्मेदारी है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी आप मैं जो है मैचिंग करा सकते हैं किसी कोचिंग से लेकर यहाँ से। याद रखें कि मेंस के लिए तैयारी नहीं है, साफ साफ मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो है अगर आप पीसीएस की और जो स्टेट जो है उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए नहीं है, ये है प्रीलिम्स के लिए। लेकिन इसमें मेंस के टॉपिक अत्यधिक शामिल है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जो है टोटली मेंस है, लेकिन मेंस के टॉपिक इसमें शामिल है तो याद रखेंगे। क्योंकि मेंस अलग सब्जेक्ट नहीं होता है, उसी का डिटेल होता है, उसी का बैकग्राउंड होता है, कारण हो जाते हैं, उसका राजनीतिक कारण था, समझ रहे हैं? मेंस होता है और प्रीलिम्स होता है, तो बात समझिए आगे। तो अजात शत्रु के समय मगध की राजधानी कहाँ चली गई? तो राजगीर चली गई, ठीक है ना? राजगीर याद रखेंगे कि अजात शत्रु के समय कहाँ चला गया, राजगीर। अजात शत्रु जो है प्रारंभ में जैन धर्म, जबकि बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेता है। यानी पहले किस धर्म को मानता है? जैन धर्म को, और बाद में बौद्ध धर्म को। ये दोनों धर्म अभी हम लोग पढ़े नहीं है, दोनों धर्म को हम लोगों को अभी पढ़ना है। इस टॉपिक को रोक करके हम लोग पहले उसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे पहले पहुंच जाए। नेक्स्ट है अजातशत्रु के जो प्रमुख मंत्री कौन हुआ करते थे, ये भी एग्जाम में पूछता है कि अजातशत्रु का प्रमुख मंत्री का नाम बताइए। तो वलसाकार। कौन? वलसाकार। अजातशत्रु ने युद्ध के द्वारा साम्राज्य विस्तार किया। अजातशत्रु को जो है कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह अपने पिता की हत्या करके गद्दी हासिल किया था। यानी कुछ लोग मानते हैं जो हमारे इतिहासकार हैं कि जो अजात शत्रु हुए अपने पिता जो बिंबिसार हुआ करते थे उनकी हत्या करके क्या किया इसने, तो गद्दी हासिल कर ली। बिंबिसार की जो पत्नी थी क्षेमा, क्षेमा ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। बिंबिसार की जो पत्नी थी वो भी यानी एक तरह से बौद्धिस्ट रही होगी, तो इसने क्या किया, तो जो है कौशल नरेश जो प्रसेनजीत थे, प्रसेनजीत की जो हम लोग इसके पहले पढ़े हैं, तो जो प्रसेनजीत को क्या किया इसने, तो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ये भी एग्जाम में पूछ देगा आपके। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को बौद्ध संघ का चिकित्सक नियुक्त किया था। देखिए आपने पढ़ा ना इसके पहले जीवक वाला, तो याद रखेंगे बिंबिसार का जो वैद्य वो कौन हुआ करता था, तो जीवक। और जीवक को जो है बौद्ध संघ का चिकित्सक भी नियुक्त किया गया था। बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके जो है इसने बौद्ध संघ को बेलुवन नामक क्षेत्र जो है उपहार में दे दिया था, ठीक है? बिंबिसार क्या था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्ध संघ को, यानी बौद्ध संघ मतलब समझ रहे हैं, बौद्ध संघ क्या है, एक तरह से ग्रुप है, एक तरह से आप मान लीजिए। तो बौद्ध संघ क्या करता है, यानी बौद्ध, देखिए जो बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म में एक संघ बनाया गया था। इस संघ में बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणियां रहती थी, यानी जो है पुरुष महिलाएं जो बौद्धिष्ट हुआ करती थी वो लोग रहते थे। उनको रहने के लिए कोई जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वही एक क्षेत्र देता है। कौन देता है, तो बिंबिसार देता है। उसका नाम है
बेलुमन, ठीक है, तो बेलुमन नामक क्षेत्र देता है किसको, तो बौद्धिस्टों को देता है। समझ रहे हैं ना आप लोग, आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी कोई डाउट हो तो आप बाद में जब लेक्चर आप देख रहे हैं, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं, तो आपको जो है जब आपके पास लेक्चर आ रहा है तो आप उसी वक्त कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करने के 5-4 मिनट के अंदर ही आपके जो है जवाब मिल जाएंगे। और अगर ऐसा कोई टॉपिक रहता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उस पर आपको जो है पर्टिकुलर वीडियो आपको जो है डाउट सेशन रख दिया जाएगा, ठीक है। इसने जो है इसने नवीन राजगीर नामक जो है नगर की स्थापना की है। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कारागार में यातनाएं देकर कर दिया गया। यानी देखिए जो यानी प्रूफ भी कर रहा है ये जो धार्मिक जो उस समय के हुआ करते थे, जैसे कि जैन धर्म हो गया, जैन धर्म क्या कर रहा है, जैन धर्म ही पुष्टि कर रहा है कि जो बिंबिसार उसकी हत्या किसने किया था, अजातशत्रु ने, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, क्योंकि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था जबकि देवदत्त बौद्ध विरोधी था। समझ रहे हैं, और जो बिंबिसार थे अजातशत्रु के जो पिता थे वो क्या थे, तो बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी हुआ करते थे। और जो देवदत्त है, ये देवदत्त नामक जो व्यक्ति है ये बौद्ध धर्म का विरोधी था। तो ये क्या मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, तो भड़का रहा था किसको, अजातशत्रु को अपने पिता के खिलाफ। तो ये किसी भी कारणवश क्या करता है, इसके पिता की मृत्यु हो जाती है इसी के हाथों, अजातशत्रु के हाथों, ठीक है। ऐसे आप लोगों को सब कुछ जो है समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपके आपसे जो है एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हो और किसके शासनकाल में हुई। तो प्रथम बौद्ध जो है बौद्ध संगति याद रखेंगे कि जो है अजातशत्रु के समय होती है, और इसे मतलब जो है क्या है प्रथम बौद्ध संगति याद रखेंगे। अब देखिए कुछ इसका आक्रमण देख लेते हैं, ठीक है। तो जो प्रथम जो आक्रमण है कौन कहाँ करता है, तो जो कौशल नरेश हैं, जो प्रसेनजीत, जो कौशल के जो राजा हैं नरेश हुआ करते थे, ठीक है, तो समझ रहे ना आप लोग। तो जो प्रसेनजीत थे उनसे जो इसका युद्ध होता है किसका, अजातशत्रु का। और देखिए जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु द्वारा अपने पिता बिंबिसार के एक ये नहीं होगा, बिंबिसार की हत्या के बाद बिंबिसार की जो पहली पत्नी हुआ करती थी महाकौशल देवी, तो इनकी क्या होती है, तो मृत्यु हो जाती है। और जो कौशल देवी कौन थी, महाकौशल देवी, तो प्रसेनजीत की बहन हुआ करती थी। तो उनकी जो है जब बहन मर गई, ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ, तो प्रसेनजीत जो है नाराज हो गए। अब देखिए इस पर नियम क्या चल रहा है, यहाँ पर सिस्टम क्या चल रहा है। पहली बात याद रखेंगे कि जो प्रसेनजीत कौन है, तो बिंबिसार जो है वो जो है मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं कि प्रसेनजीत कौन है, तो अजातशत्रु के मामा है, ठीक है, ठीक है ना। वो क्योंकि कई सारे जो है बिंबिसार ने जो है कई सारी जो है पत्नियों से अपनी शादी शादी किया हुआ था, ठीक है ना। तो बिंबिसार को जो है क्षेत्र मिला हुआ, तो मैंने आपको कल पढ़ाया था काशी, बिंबिसार को जो है महाकौशल देवी से भी शादी किया, तो इसको जो एक क्षेत्र मिला जिसका नाम था काशी। समझ रहे हैं ना, जो बनारस वाला काशी है इसको दहेज में मिला था किसको, बिंबिसार को। लेकिन जब बिंबिसार मर गया और उसकी एक पत्नी थी जो महाकौशल देवी, जिसके भाई प्रसेनजीत ने ही क्या किया था, तो काशी जो है बिंबिसार को दिया था। समझ रहे हैं, तो उसके बाद जब इसकी बहन भी मर जाती है, इसके जो है बहनोई भी मर जाते हैं, तो इसके बाद क्या करता है, तो जो प्रसेनजीत है जो वहां का जो राजा है वो काशी को जो क्षेत्र दिया हुआ था वो कौशल नरेश द्वारा जो क्या होता है, तो वापस ले लेता है। समझ रहे हैं, वापस ले लेता है। तो भाई ये बात जो है अजातशत्रु को अच्छी नहीं लगी, और परिणाम क्या हुआ कि दोनों को मध्य जो है एक युद्ध हुआ था। और युद्ध होने के बाद फिर बाद में क्या हुआ, तो समझौता हुआ। और अब समझौता में आप देखिए क्या होता है, कुछ दोनों के समझौता में हुआ कि जो काशी का जो क्षेत्र है मगध को आपस मिल गया, एवं प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अब अजातशत्रु से कर दिया। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, उस समय युद्ध हारते थे लोग तो अपनी बेटी बहन को भी हारते थे। अच्छा सिस्टम हमको लग रहा है चल रहा होगा, समझ आ रहा है आपको कि जो प्रसेनजीत है वो क्या करते हैं, प्रसेनजीत कौन है, तो इसके पिता के साला हैं, समझ रहे हैं, इसके लगभग मामा होंगे, क्योंकि इसके खास मामा नहीं है लेकिन मामा लगेंगे एक तरह से, ठीक है। अब मैं आपको स्टोरी वगैरह और समझा दे रहा हूँ, कंफ्यूजन हो रही होगी, याद रखेंगे। बिंबिसार क्या किया था, तो जो प्रसेनजीत हैं उनकी बहन से शादी किया था, उनका नाम क्या है, महा कौशल देवी। तो क्या किया जो प्रसेनजीत ने, कि जो काशी का जो क्षेत्र है, जो बनारस के पास जो काशी आप लोग घूमने जाते हैं, तो वहां पर जो काशी जो नरेश वाला जो क्षेत्र है उसको दहेज दे देता है किसको, बिंबिसार को। लेकिन क्या होता है बाद में कि बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है, और जो है
बिम्बिसार की जो पत्नी है, जो प्रसेनजीत की बहन भी है, जिनका नाम है महाकौशल देवी, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद से जो है प्रसेनजीत नाराज हो जाते हैं कि भाई हमारी बहन मर गई, और फिर क्या करते हैं, काशी क्षेत्र जो दहेज में दिए थे उसे वापस ले लेते हैं। और यही बात अजातशत्रु को बुरी लग जाती है और क्या करता है, तो इनके प्रति युद्ध छेड़ देता है। और युद्ध के बाद क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि देखिए हम लोग यहाँ से लेकर के अंग्रेज के यहाँ तक पढ़ेंगे, आधुनिक भारत तक जब भी युद्ध हुआ है और जब भी लोग हारे हैं तो क्या होता है, एक समझौता होता है, चाहे टीपू सुल्तान से जो हो या हैदर अली से हो, तो मतलब समझौता होता है। ठीक है, तो उस समझौते में फिर क्या हुआ, तो समझौते में जो है फिर काशी का जो क्षेत्र है मगध को मिल गया। अरे सॉरी सॉरी, हाँ सही बात है, तो जो काशी का जो क्षेत्र है किसको मिला, मगध, मगध को मिला, यानी अजातशत्रु को मिल गया। और फिर प्रसेनजीत ने क्या किया कि अपने बेटी का विवाह भी, कि बेटी का नाम था वाजिरा, उसका विवाह भी अजातशत्रु के साथ कर देते हैं। ठीक है, बात समझा रही है, आगे देखते हैं। द्वितीय आक्रमण देखते हैं, आप देखते हैं अजातशत्रु का वैशाली के साथ। आखिर वैशाली के साथ युद्ध क्यों करता है अजातशत्रु? बिंबिसार की मृत्यु के बाद जो वैशाली नरेश थे वो हीरे की खान पर संपूर्ण नियंत्रण कर लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ था, हम लोग पढ़े थे कि जो वैशाली का जो क्षेत्र है, इसे मान लीजिए ये जो है मगध का क्षेत्र है, ये जैसे मान लो कि पूरा का पूरा भारत है, कंफ्यूजन है ना। देखिए कल्पना करिए कि ये क्या है, तो ये हम लोग का भारत का मैप है, मान लेते हैं भारत का मैप है, माउस से बन नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं भारत का मैप है। ये यहाँ पर क्या है, मगध साम्राज्य है, यहाँ पर मगध है, और इसी के पास क्या है, दम सटे ही वैशाली है। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि दोनों के मध्य क्या हुआ, समझौता हो गया, क्योंकि ये दोनों को जो है वैशाली के जो जो राजकुमारी हुआ करते थे उनसे विवाह कर लेता है बिम्बिसार। ठीक है, मैंने वैवाहिक जो है संबंध से क्या करता है, तो अपना रिलेशन बढ़ाता है। लेकिन क्या होता है कि जो हीरे की खान थी जिस पर दोनों लड़ रहे थे, तो जब शादी हुआ था दोनों लोग आपस में बांट लिए, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही बिम्बिसार की मृत्यु हो जाती है, जो वैशाली जो नरेश थे, वैशाली के जो राजा थे, क्या करते हैं कि हीरे की खान को पूरा नियंत्रण कर लेते हैं। यानी ये जो इसका भी जो क्षेत्र है मगध वाला, जो हीरा का खान है, इसको भी नियंत्रित कर लेते हैं। ठीक है, हीरो के जो है हर तथा विशेष जो है हाथी की कान। देखिए अभी जो है मतलब झगड़ा क्यों हो रहा था, तो हीरो के कारण और हाथी के कारण। ठीक है, वज्जी संघ के आक्रमण का भय, अब इसको भी जो है अजातशत्रु को वज्जी का भी भय हो गया था, क्योंकि भाई अब वज्जी भी क्या करेंगे, यहाँ पर लूट लूटपाट मचाएंगे। तो फिर इनके बाद युद्ध होता है, इसी समय जो अजातशत्रु ने बुद्ध से वैशाली विजय की युक्ति पूछी थी। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर, जब ये जो है अजातशत्रु है ना, वो जाता है गौतम बुद्ध के पास और पूछता है कि भगवान बताइए, वो बताइए, यानी मतलब बुद्ध से अपनी भाषा में महात्मा कहा होगा, क्या कहा होगा नहीं पता, पूछता है मतलब जो है महात्मा गौतम बुद्ध से कि जो वैशाली जो क्षेत्र है, जो हमलाहारी जो है हीरे की खान पर फिर पुनः कब्जा कर लिया है, और उसके बाद हम लोग को वज्जी जो गणराज्य हुआ करता था, तो जो वज्जी का जो क्षेत्र है वहां के जो लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, तो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछता है कि कैसे मैं जीत हासिल कर दूं, तो वो गौतम बुद्ध यहाँ पर बताते हैं कि आप कैसे युद्ध जीतेंगे, यानी युद्ध नीति बताते हैं, युद्ध की युक्ति बताते हैं, किसको, तो अजातशत्रु को। तो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध बुद्ध भी क्या थे, तो साम्राज्यवादी विचारधारा वाले व्यक्ति थे, क्योंकि समझ रहे हैं ना आप लोग इसे, तो इनके से हुआ करते थे जो भी रहा होगा। तो इसी में क्या हुआ कि इसी युद्ध में पहली बार रथ का यूज हुआ है, ये जामा भी पूछता है कि पहली बार जो है इतिहास में रथ का जो है प्रयोग जो है, रथ का जो यूज है कब देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है अजात शत्रु के समय। तो इसी समय क्या होता है, युद्ध में पहली बार रथ का प्रयोग, मूसल का प्रयोग, जो जो भीष्म जो देखे ना भीम महाभारत में किसका प्रयोग करते हैं, मूसल का, तो पहली बार मूसल का प्रयोग यहाँ पर होता है, तथा महाशीलकंठक शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, यानी एक तरह से आधुनिक जो है शस्त्रों का प्रयोग करता है अजातशत्रु, और यहीं पर जो क्या करता है दोनों को हराता है। अब परिणाम देख लेते हैं, अजातशत्रु ने क्या किया कि जो वैशाली को जीतकर मगध में मिला लिया। और देखिए जो अजात जो वैशाली जो क्षेत्र है जो सिर्फ हीरो के लिए लड़ रहा था, पूरा का पूरा वैशाली क्षेत्र किसका हो गया, मगध का हो गया, यानी मगध का क्या हुआ, साम्राज्य विस्तार हो गया। बात समझ आ रही है आपको, मिला लेता है। और जो वजीर जो लोग हैं, जो वज्जी गणराज्य करते हैं, उनको सुनने में आता है कि वज्जियों को
चुन चुन कर मारता है और वज्जियों को भी क्या करता है, समाप्त कर देता है। अब थोड़ा सा नोट भी दिया है, देख लेते हैं। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र जो है उदयन जो है शासक बनता है। इसका भी एक बेटा था जिसका नाम था उदयन। ये शासक बनता है जो जैन धर्म को मानने वाला था। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया एवं गंगा एवं सोन नदी के संगम पर जो था इसे मगध की राजधानी बनाया। देखिए जो उदयन है क्या किया, क्या करता है, तो पाटलिपुत्र नामक नगर बसाता है। जो आज का पटना है वो नगर किसके द्वारा बसाया गया है, तो उदयन के द्वारा, जो किसका बेटा था, अजातशत्रु का। इसने यहीं पर जो है जैन धर्म के लिए एक गृह का निर्माण कराया था। उदयन के बाद जो है क्रमशः कई सारे जो है शासक हुए, जैसे अनिरुद्ध हो गया, मुडक हो गया, नागदशक हो गया। ठीक है, नागदशक जो है हर एक वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या एक अमात्य शिशु नाग द्वारा करके शिशुनाग वंश की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम लोग देखते रहेंगे, अब शुरू से हम लोग इसे अब देखेंगे कि कैसे क्या होता है। एक तो भाई देखिए जो बिम्बिसार है उसको मार करके उसके बेटा गद्दी पर बैठ जाता है। फिर उसके बाद से लोग अंतिम वंश को, जैसे कि जब कमजोर वंश आएगा तो उसको मार देते थे, मार करके अपना वंश जो है चलाते थे। तो यहीं पर जो है हर एक वंश का जो है अंतिम शासक हुआ करता था, जिसका नाम था, याद रखें क्या नाम था उसका, तो उसका नाम हुआ करता था अंतिम क्या नाम था, नागदशक। ठीक है, तो नागदशक जो था अंतिम हर एक जो है अंतिम हर एक वंश का शासक हुआ करता था। इसकी हत्या जो है शिशुनागों द्वारा कराई जाती है। उसके बाद से शिशुनाग इस वंश की स्थापना होती है। फिर आगे चलकर शिशुनाग को भी कोई मारेगा। ठीक है, फिर शिशुनाग को मारेगा, फिर शिशुनाग को मारने के बाद फिर जो शासक आएगा, जो वंश आएगा, उसको भी मारा जाएगा। फिर उसके बाद से ये चलती रहती है कहानी। तो आज हम लोग का जो लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है और कल से हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश। ठीक है, बात समझ आ रही है, समझ आया आपको? तो हम लोग कल से देखेंगे शिशुनाग वंश को। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। और अभी चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर करिए जो जीएस पढ़ते हैं। थैंक यू।